नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। अपराध को चाहे जितने भी शातिराना तरीके से अंजाम दिया जाए, लेकिन कुछ सुराग अपराधी का पता बता ही देते हैं। आज जो कहानी हम आपको दिखलाने जा रहे हैं वो इसी की एक बानगी है। इसके तहत बाहरी जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड को बड़ी ही बेरहमी से अंजाम दिया गया था। कौन था अपराधी और पुलिस ने कैसे पहुंचाया उसे सलाखों के पीछे, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। ये है बाहरी दिल्ली में स्थित बेगमपुर का इलाका। दिल्ली और हरियाणा की सीमा के नजदीक स्थित इस क्षेत्र में लगभग हर वर्ग के लोग निवास करते हैं। सीमा के नजदीक होने के कारण पुलिस के लिए यहाँ कानून व्यवस्था को बनाए रखना काफी मेहनत का काम है, क्योंकि अक्सर अपराधी यहाँ अपराध को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों की ओर भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ की पुलिस के लिए अपराध को रोकने की चुनौती कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन जब बेगमपुर पुलिस अपने कार्यों में लगी हुई थी, तभी एक व्यक्ति परेशान हालत में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए आया। उसने ड्यूटी ऑफिसर को बताया कि उसका भाई बलजीत, जो कि एक ट्रेवल एजेंसी में ड्राइवर का काम करता है, कुछ पैसेंजरों को घुमाने के लिए दिल्ली के बाहर ले गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है और उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा है। उसने ये भी आशंका जताई कि कहीं उसका अपहरण ना हो गया हो या उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन ड्यूटी ऑफिसर ने उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली और इस बात की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी। थानाध्यक्ष ने गुमशुदा व्यक्ति बलजीत के भाई लक्ष्मण से उसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के बाद गुमशुदा व्यक्ति की तलाश में एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया। टीम को गुमशुदा व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी मुहैया करा दी गई ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो सके, लेकिन कई दिनों की खोजबीन और पूछताछ के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अब पुलिस का पूरा ध्यान उस मोबाइल नंबर पर था जिसके जरिए गाड़ी बुक की गई थी। इस बात के मद्देनजर उस नंबर को टेक्निकल सर्वेलेंस पर लगा दिया गया। टेक्निकल सर्वेलेंस से ये बात निकलकर सामने आई कि गुमशुदा व्यक्ति के फोन की लोकेशन और जिस नंबर से टैक्सी बुक की गई थी उसकी आखिरी लोकेशन अंबाला का नारायणगढ़ ही थी। इस महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर बेगमपुर पुलिस ने अंबाला पुलिस से वहां उस वक्त हुई किसी वारदात के बारे में जानकारी ली। पूछताछ में ये बात सामने आई कि उस दौरान नारायणगढ़ में एक अज्ञात शव मिला था जिसकी पहचान नहीं हो पाई थी, इस आशंका से कि वो शव उसी व्यक्ति का तो नहीं जिसको पुलिस तलाश कर रही है, फौरन गुमशुदा के भाई और पुलिस टीम को वहां भेजा गया। शव की शिनाख्त हो जाने के बाद अब पुलिस के सामने सबसे अहम काम उन कातिलों को ढूंढ निकालना था जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। काफी अथक प्रयासों के बाद टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए उस व्यक्ति का पता ठिकाना खोज निकाला गया जिसने अपने मोबाइल से टैक्सी बुक करवाई थी। इस महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर फौरन एक टीम का गठन कर उसे संदिग्ध आरोपी को पकड़ने के लिए रवाना कर दिया गया। वहां पहुंचकर पुलिस टीम ने उस घर को घेर लिया जिसमें आरोपी के छिपे होने की संभावना थी। पुलिस के काफी दरवाजा खटखटाने पर अंदर से एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मनोज के रूप में हुई जिसने फोन नंबर से टैक्सी बुक करवाई थी। पूछताछ के दौरान पहले तो मनोज ने हत्या या लूटपाट की किसी भी वारदात में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने हत्या में शामिल अपने बाकी साथियों के बारे में भी उगल दिया। मनोज की निशानदेही पर उसके एक और साथी पंकज को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी भी एक मुख्य अभियुक्त लक्ष्मी नारायण उर्फ लाला और अन्य आरोपी अमित फरार थे।
आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को एक गुप्त सूचना हाथ लगी कि कई दिनों से फरार मुख्य अभियुक्त लक्ष्मी नारायण अपने परिवार वालों से मिलने अपने घर आने वाला है। पुलिस उसे पकड़ने का यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि जरा सी भी भनक लगने पर ये आरोपी दिल्ली छोड़कर फरार हो सकता था। इस महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर पुलिस टीम को उस आरोपी को पकड़ने के लिए उसके घर के पास ट्रैप लगाने के लिए भेजा गया। लक्ष्मी नारायण वहीं अपने घर के नजदीक खड़ा हो फोन पर बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पुलिस को आते हुए देखा वो भागने लगा और भागते हुए घर की छत पर चढ़ गया। पुलिस ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके पीछे दौड़ पड़ी, और काफी जद्दोजहद के बाद लक्ष्मी नारायण को उसके घर से धर दबोचा गया। लक्ष्मी नारायण के पकड़े जाने के बाद बाकी बचे एक अन्य आरोपी अमित को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कड़ी पूछताछ के दौरान पकड़े गए अभियुक्त लक्ष्मी नारायण और अन्य आरोपियों ने टैक्सी ड्राइवर बलजीत की हत्या और टैक्सी लूटने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके पास पैसे की कमी थी और वो जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहते थे। इसी के तहत इन्होंने जल्दी पैसा कमाने के लिए एक योजना को अंजाम देने की सोची। योजना के मुताबिक मनोज ने ट्रेवल एजेंसी में फोन कर पानीपत जाने के लिए गाड़ी बुक करवाई, क्योंकि मनोज उस ट्रेवल एजेंसी में बतौर ड्राइवर काम कर चुका था और उसे उस एजेंसी के बारे में काफी जानकारी थी। बताए गए पते पर गाड़ी पहुंचने के बाद वो उसे पानीपत की जगह अंबाला और हिमाचल प्रदेश ले गए। रास्ते में उन्होंने ड्राइवर बलजीत से दोस्ती कर ली। और योजना के मुताबिक वो रास्ते में ड्राइवर को शराब पिलाने लगे। वहां से दिल्ली लौटते समय इन्होंने अंबाला के नजदीक नारायणगढ़ में एक सुनसान इलाके में गाड़ी रुकवा ली और वहीं बलजीत से एक जगह बैठकर शराब पीने की बात कही। एक खाली और सुनसान जगह देखकर बलजीत और चारों अभियुक्त शराब पीने लगे। योजना के मुताबिक इन्होंने बलजीत को काफी शराब पिला दी थी, और जैसे ही बलजीत नशे में धुत हो गया, पहले से तैयार एक आरोपी ने खाली बोतल से बलजीत के सर पर पीछे से वार कर दिया। अचानक हुए इस वार से बलजीत संभल नहीं सका और इसके बाद चारों अभियुक्तों ने इसे दबोच लिया। एक उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा और दूसरा स्क्रू ड्राइवर से बलजीत पर एक के बाद एक कई वार करता चला गया कि जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। ये पुख्ता हो जाने पर कि वो मर चुका है, चारों अभियुक्त उसकी लाश को वहीं छिपाकर टैक्सी और उसके 11,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। काफी गहन छानबीन और मेहनत के बाद पुलिस सभी आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हो गई। लेकिन हम सभी के लिए जरूरी हो जाता है कि हम सजग और सचेत रहें। खासतौर पर ट्रेवल एजेंसियों को किसी को गाड़ी किराए पर देने से पहले गाड़ी बुक कराने वाले का पूरा पता और पहचान पुख्ता कर लेनी चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही से हम किसी अनहोनी घटना के शिकार हो सकते हैं। याद रहे, इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, इसलिए हमें इस बारे में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं, ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही
फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस की रेलवे शाखा ने मानव तस्करी में शामिल 10 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 14 नाबालिगों को छुड़ाया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ नाबालिग बच्चों को तस्करी करके बिहार के विभिन्न जिलों से ट्रेन द्वारा दिल्ली लाया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली रेलगाड़ियों के यात्रियों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी। इसके लिए स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली गई। इसी दौरान किशोरों के साथ कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। पूछताछ करने पर ये वही लोग निकले जिनकी पुलिस को तलाश थी, लिहाजा इन्हें हिरासत में लेकर पुलिस ने इनके कब्जे से नाबालिग बच्चों को छुड़ा लिया है। नई दिल्ली जिला पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में फरार चल रहे घोषित भगोड़े पुष्कर और महेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। साल 2001 में दक्षिणी दिल्ली के आश्रम इलाके में पुष्कर ने अपने साथियों के साथ मिलकर सैयद सोहेल अहमद नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी और जबकि उसके साथी दुलारे खान को गोली मारकर घायल कर दिया था। ये तभी से फरार चल रहा था। फरारी के दौरान ही कोर्ट में पेश ना होने की वजह से कोर्ट ने इसे भगोड़ा घोषित कर दिया। तभी से पुलिस को इसकी बड़ी सरगर्मी से तलाश थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हत्या की वारदात में शामिल पुष्कर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में छिपकर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे गिरफ्तार कर लिया। ऐसे ही NI एक्ट के तहत दिल्ली के कैनॉट प्लेस थाने में आरोपी महेंद्र के खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। इन मामलों में महेंद्र फरार चल रहा था। कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित होने पर पुलिस ने इसे भी दबिश देकर मैनपुरी से गिरफ्तार कर लिया। द्वारका जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग में शामिल एक आरोपी अरबाज सहित 2 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। तीनों आरोपी एक बाइक पर मौज मस्ती करते हुए उत्तम नगर इलाके के 100 फुटा रोड पर घूम रहे थे। वहां पुलिस चेकिंग के दौरान ये बाइक घुमाकर भागने की कोशिश करने लगे। शक के बिना पर पुलिस ने इनका पीछा किया और इन्हें पकड़ लिया। तफ्तीश के दौरान इनसे बरामद की गई बाइक चोरी की निकली जो कि ओम विहार इलाके से चुराई गई थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 3 बाइक और 1 स्कूटी बरामद करते हुए चोरी के 4 अन्य मामलों को भी सुलझा लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों उदय कुमार, सुबोध दास, सुजीव कुमार, नित्यानंद और राहुल हांडिक को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का नेटवर्क म्यांमार से मणिपुर, असम, बिहार, दिल्ली सहित देश के कई राज्यों तक फैला हुआ था। इस नेटवर्क के जरिए ही ये गिरोह नशे के कारोबार को अंजाम देने में लगा था। पुलिस की नजर से बचकर आसानी से देश भर में हेरोइन सप्लाई की जा सके, इसके लिए इन्होंने अपनी गाड़ियों में बकायदा कैविटी भी बना रखी थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरोह के 3 सदस्य कार के जरिए हेरोइन सप्लाई करने के लिए मुकरबा चौक के नजदीक आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। इनकी निशानदेही पर भैरव रोड के पास से इनके 2 अन्य साथियों को भी उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब ये हेरोइन सप्लाई करने के लिए यहां आए हुए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 23 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 90 करोड़ रुपए बताई गई है। द्वारका जिला पुलिस ने कुख्यात मोबाइल स्नैचर रवि को गिरफ्तार किया है। हाल ही में रवि राजापुरी इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति का मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया था। पीड़ित ने छीना झपटी की शिकायत बिंदापुर थाने में कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर तेजी से कार्रवाई करते हुए रवि को इलाके से ही पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान धर दबोचा। पुलिस ने रवि के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन सहित स्नैचिंग के लिए इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है।
दक्षिणी जिला पुलिस ने भूले भाले लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्य राधे गोपाल शर्मा और राहुल सैनी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी जयपुर में बैठकर ही ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। गिरोह के सदस्य कॉल कर खुद को टेलीकॉम कंपनी का सर्विस प्रोवाइडर बताकर उनकी कई सर्विस को अपग्रेड और एक्टिवेट करने का झांसा देते थे। झांसे में फंसे व्यक्ति से ये ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाते थे, जिसके बाद ये सारी डिटेल लेकर उसके बैंक खातों से ट्रांजैक्शन कर लिया करते थे। पुलिस एक पीड़ित के साथ हुई 7 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी पर तफ्तीश में जुटी थी। जांच पड़ताल में पुलिस ने पाया कि जयपुर में इस अकाउंट के जरिए कुछ लोगों के बिजली के बिल जमा किए गए हैं। बस इसी को ट्रेस करते हुए पुलिस इन आरोपियों तक जा पहुंची। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ठगी में इस्तेमाल 3 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने कुख्यात झपटमार को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी आदतन अपराधी है और इसने झपटमारी की कई वारदातों को अंजाम दिया था। पीसीआर ने एक महिला से स्कूटी सवार द्वारा मोबाइल झपटमारी की सूचना लक्ष्मीनगर थाने में दी थी, जिसमें महिला के शोर मचाने पर लोगों और वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराई गई स्कूटी बरामद करते हुए चोरी और झपटमारी के दर्जनों अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दक्षिणी जिला पुलिस ने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट के बदले आकर्षक गिफ्ट देने के नाम पर लगभग 250 लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने ठगी के लिए कॉल सेंटर भी बना रखा था। ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों का डाटा लेकर उन्हें कॉल करते और रिवॉर्ड पॉइंट के बदले उपहार देने की बात करते थे। लोग उपहार हासिल करने के लालच में इनके कहे अनुसार अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया करते थे। पैसे मिलते ही ये उनका फोन उठाना बंद कर दिया करते थे। खास बात यह है कि पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए इन्होंने बैंक अकाउंट भी कमीशन बेस पर ले रखे थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल बैंक खातों को सीज करते हुए 6 लाख रुपए, 5 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 12 फर्जी सिम कार्ड सहित 6 ATM कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए नकली देसी घी बनाने वाली एक इकाई का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बवाना क्षेत्र में स्थित एक कारखाने में बड़े स्तर पर नकली देसी घी बनाया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और खाद्य और सुरक्षा विभाग को इसके बारे में सूचित किया। जानकारी पुख्ता हो जाने पर पुलिस ने इस कारखाने पर छापा मारा और इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। पुलिस ने वहां बड़ी मात्रा में तैयार नकली देसी घी और इसे तैयार और पैक करने में इस्तेमाल कच्चा माल भी बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी बिहार का रहने वाला है। काम धंधे की तलाश में ये दिल्ली आया था, लेकिन शराब और मादक पदार्थों की लत के चलते लूटपाट के धंधे में लग गया। रात में गश्त करने के दौरान पुलिस को सदर बाजार के नजदीक एक शख्स स्कूटी पर बैठा मिला। पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश की, लेकिन स्कूटी स्टार्ट न होने की वजह से ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक चुराई गई स्कूटी, एक मोटरसाइकिल, एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने मोबाइल छीनने और चुराने वाले 2 हथियारबंद झपटमारों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी हथियार के बल पर लोगों को डरा धमका कर उनसे मोबाइल फोन छीन लिया करते थे। इलाके में मोबाइल चोरी की वारदात को रोकने के लिए जिला पुलिस लगातार सक्रिय थी। पुलिस को इन झपटमारों के बारे में खुफिया जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर नाकेबंदी की। इसी बीच पुलिस को 2 लड़के बाइक पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने के बावजूद वो भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। आरोपियों के कब्जे से
10 छीने गए मोबाइल फोन, एक चुराई गई बाइक और देसी पिस्तौल समेत जिंदा कारतूस भी पुलिस के हाथ लगे। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने मादक पदार्थों के धंधे में लगे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी पिछले काफी समय से इलाके में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजा पहुंचाने के इरादे से एक शख्स जहांगीरपुरी में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने बताए गए स्थान पर जाल बिछाया और मुखबिर द्वारा पुख्ता करने के बाद इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 920 ग्राम गांजा बरामद कर लिया है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। कोविड 19 का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए दिल्ली पुलिस दिन रात जुटी हुई है ताकि इससे जुड़े बचाव के नियमों का पूरी तरीके से पालन कराया जा सके। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस किस प्रकार दे रही है अपने फर्ज को अंजाम, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना लगातार चुनौती बना हुआ है। दिल्ली में भी अब कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल इसका ना तो कोई पुख्ता इलाज है और ना ही कोई प्रमाणिक वैक्सीन। जाहिर है ऐसे में सावधानी ही से बचने का सबसे कारगर उपाय है। लिहाजा दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी से जुटी है ताकि कोविड 19 महामारी से सफलतापूर्वक निपटा जा सके। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हेल्थ प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, इसकी दिल्ली पुलिस द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है। सड़कों पर और वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसका भी पुलिस द्वारा विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जागरूकता अभियान और तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद कई लोग अब भी बाज नहीं आ रहे हैं और इस वायरस से जुड़े हेल्थ प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस भी ऐसे लोगों से कड़ाई से निपट रही है और ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों का चालान भी कर रही है, साथ ही उन्हें आइंदा ऐसा ना करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अभी तक मास्क नहीं लगाने वाले, सड़कों पर थूकने वाले और सामाजिक दूरी का पालन ना करने वाले हजारों लोगों का पुलिस द्वारा चालान किया जा चुका है। इसके अलावा वाहन में यात्रा के दौरान लोग मास्क लगाकर रखें, इस पर भी दिल्ली पुलिस की कड़ी नजर है। इनमें बिना मास्क के यात्रा कर रहे लोगों का पुलिस द्वारा न केवल चालान ही किया जा रहा है बल्कि उन्हें मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने के बारे में चेताया भी जा रहा है। वहीं ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों पर भी इसके संक्रमण की चपेट में आने का खतरा बराबर बना रहता है, इसीलिए पुलिस कर्मियों द्वारा पूरी सावधानी बरती जा रही है जिससे इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। साथ ही कार्य के दौरान पुलिस स्टेशनों में संक्रमण ना फैले, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। थानों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और पुलिस कर्मियों को अपना खास ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। पुलिस स्टेशनों पर पुलिस कर्मियों और यहां आने वाले लोगों के बीच सुरक्षित और संपर्क रहित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कई जगह पुलिस स्टेशन में आने वाले व्यक्तियों के लिए गेट पर ही एक कॉन्टेक्टलेस हैंड सैनिटाइजर रखा गया है, इससे वो अपने हाथों को आसानी से सैनिटाइज कर सकते हैं। साथ ही बातचीत करने के लिए वीडियो इंटरकॉम का सहारा लिया जा रहा है। कोविड 19 महामारी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की कार्यशैली में भी कई बदलाव किए गए हैं। इससे फ्रंट वॉरियर के तौर पर तैनात पुलिस कर्मियों को इस संक्रमण से बचने में काफी मदद मिल रही है।
मतलब बहुत साफ है कि सावधानी बरत कर और आपसी सहयोग से ही इस खतरनाक वायरस की कमर तोड़ी जा सकती है। इसीलिए जरूरी है कि कोरोना से निपटने के लिए जरूरी नियमों का जिम्मेदारी से पालन किया जाए। ऐसा करके न केवल इस संक्रमण से ही बचा जा सकता है बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।